नमस्ते। कई दिनों से मेरे पास कुछ सुझाव आ रहे थे कि मैं कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो कुछ टॉपिक्स को मैंने सिलेक्ट किया है और उसमें से आज पहले टॉपिक पे बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा एंजाइटी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में करीब 300 मिलियन लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं, और एक रिसर्च ये भी है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले एंग्जायटी से ज्यादा पीड़ित होती हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, अगर उस पर हम ध्यान दें और उसको हम ठीक करें तो हम एंग्जायटी से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। पहला रीजन है कि कोई चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरीज, कोई घटना जिसकी वजह से वो बार बार याद आता है, कोई पेनफुल इस तरह का बचपन में कुछ हुआ है तो वो बार बार एंग्जायटी को ट्रिगर करता है। दूसरी चीज है, कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है। तीसरी चीज है कि किसी अनजाने भय, फ्यूचर में कुछ होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उस भय से उसको सोच सोच करके, उसको फैब्रिकेट कर करके, उसको एक मूवी की तरह मेंटल स्क्रीन पे देख देख करके हम एंग्जायटी के शिकार हो जाते हैं। तो जितना मैंने इसमें स्टडी जितनी की है, जितने रिसर्च की है, उसके हिसाब से मैं एक ही पॉइंट कह सकती हूँ कि वो कोई एक अनजाना भय है जो कि भविष्य के किसी घटना से रिलेटेड है, कभी कभी जेनेटिक है, और उसको हम काफी हद तक खुद में अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो उसको हम सही कर सकते हैं। ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं उसको सही करने की जरूरत है। पहला ये फैक्टर है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस। क्या है कि हम बहुत सारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने लगे हैं आज के सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में। दिन भर नकारात्मक न्यूज देखना और माइंड को एक डस्टबिन की तरह हमने बना के रख छोड़ा है, नेगेटिव न्यूज भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, तो इससे हमें थोड़ा निजात पाने की जरूरत है। दूसरी चीज है हमारी स्लीप। अब हमारी दरकार है 6 से 7 घंटे नींद की, क्योंकि बॉडी जब नींद में होती है तो वो सेल्फ रिपेयर मोड में चली जाती है हमारी बॉडी, और जो कुछ इंटरनल्स कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें नहीं पता होता है वो खुद बॉडी रिपेयर कर लेती है जब हम सोते हैं। एक जो हमारा प्राकृतिक सोने का हार्मोन है मेलाटोनिन, वो अंधेरा होने के बाद वो स्वतः सोने के लिए बॉडी को तैयार करता है। लेकिन आजकल के चकाचौंध की जिंदगी में हमने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से बना के रखा है, 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक हम जागते हैं और हमारी जो स्लीप है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस को जन्म दे रहे हैं। और फिर हमारे शरीर में जो कफ वात और पित्त का जो एक बैलेंस है उसको गड़बड़ कर रहे हैं, और एंग्जाइटी इससे ज्यादा बढ़ रही है। और जो एक पॉइंट है वो है डाइट हमारी। हम किस तरह का खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं या अगर घर का बना हुआ खाना भी खा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो घर का बना खाते हैं। तो घर का बना अगर खा रहे हैं तो वो मतलब कि किस इमोशन के साथ खा रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं या फिर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं, क्या खा रहे कुछ पता ही नहीं है, और या फिर हम किसी नेगेटिव इमोशन में हैं, गुस्सा आया हुआ है किसी पे, अभी नाराज हुए हैं और फिर हम खाना खाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन को बढ़ाता है और वो एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है। तो अगर कोई आप गुस्से में है तो थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद डाइट ले और मोबाइल वगैरह को टीवी वगैरह को से दूर उस टाइम खाते समय कम से कम अपने आप को रखें। एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई लोग मिल जाएंगे एकदम ही नहीं कर रहे हैं, तो बीच का बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। कई लोग हमें ऐसे भी मिल जाएंगे कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक्सेसिव बोलते हैं। एक्सेसिव बोलना भी कहीं ना कहीं निगेटिव इमोशन को ट्रिगर करता है, वो एंग्जाइटी को जन्म देता है। 3-4 चीजों का मैंने जिक्र किया, इन सारी चीजों को अगर हम सही कर लें, स्लीप, डाइट, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद 2 और महत्वपूर्ण चीज है जिससे हम एंग्जाइटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन और सूदिंग म्यूजिक, या फिर आपको जिस तरह का म्यूजिक पसंद है, ये 2 चीजें योगा, मेडिटेशन और म्यूजिक, ये बहुत हद तक रिलीफ देता है। और अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव एंग्जाइटी हो रहा है तो फिर किसी डॉक्टर की परामर्श से मेडिकेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को यही सलाह देती हूँ कि सब कुछ हमारे हाथ में है, कंट्रोल में है, अगर हम चाहें तो बिना मेडिकेशन के भी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ऐसा है तो इसे आप जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों में, हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए। और अपना अपना एक पॉइंट लास्ट में कहना चाहूंगी, एक गोल और विजन कुछ सेट करिए ताकि ज्यादातर टाइम हम उसमें इन्वॉल्व रहें और इन सारी चीजों के लिए हमारे पास कोई वक्त ना हो। इसी तरह आप लोग अपना ख्याल रखते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप।